सर मोड अपना काम कर रहा है, लेकिन चूंकि उसमें कोई धार्मिक विशेषज्ञ नहीं है, अभी जब हमने दिल्ली में इसकी घोषणा की तो उसके बाद से अनेक निर्माताओं ने हमसे संपर्क किया है। भावी पीढ़ी के मन में जो हमारे शास्त्रों की स्थापित धारणाएं हैं वो बदल जा रही हैं, इसलिए हमको चिंता हो रही है। गाली है, गलौज है, नग्नता है, अश्लीलता है, अपसंस्कृतिकरण है, क्या नहीं है, तो उसमें अभी तो हमने धर्म का केवल मामला पकड़ा है। सेंसर बोर्ड काम कर रहा है, ऐसा नहीं है। सेंसर बोर्ड अगर ना होता तो जाने कितनी मनमानी हो जाती। सेंसर बोर्ड अपना काम कर रहा है, लेकिन चूंकि उसमें कोई धार्मिक विशेषज्ञ नहीं है, इसलिए धार्मिक विषय कहाँ तक चुभ जाएंगे किसके हृदय में, ये वो नहीं जान पा रहा है कोई। तो उस कमी की पूरी पूर्ति करने के लिए हमने ये धर्म सेंसर बोर्ड। धर्म को ठेस इसलिए इस तरह से पहुंचा रही हैं कि धारणा बदल दे रही हैं। आपको हम एक उदाहरण बताएं, एक सीरियल आया जिसको थोड़ा आंसर हमने देखा, यम है हम, तो यमराज के बारे में हम लोगों ने शास्त्रों में पढ़ा था, यमराज की एक अलग छवि हमारे मन में थी, और हमने देखा कि एक अलग ही तरह से एक आदमी गदा लेकर के चमड़े का जूता पहने, कोट पैंट पहने खड़ा हो गया है सिंह लगा कर, और कह रहा है यम है हम। तो यमराज कैसे हैं वो धारणा ही बदल जा रही है, तो जो नया बच्चा देखेगा समझेगा कि यम ऐसे होते हैं, तो ये ठीक नहीं है ना। ऐसे अनेक दृश्य हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि भावी पीढ़ी के मन में जो हमारे शास्त्रों की स्थापित धारणाएं हैं वो बदल जा रही हैं, इसलिए हमको चिंता हो रही है। हाँ, फिल्में हैं, धारावाहिक हैं, OTT प्लेटफार्म पर देखिए, सेंसर बोर्ड से बचने का तरीका निकाल लिया कि जो फिल्म सेंसर बोर्ड से पास नहीं हो सकती है उसको OTT प्लेटफार्म पर दिखा दें। तो ये सब हो रहा है ना कि आप झरोखा खोल दे रहे हैं, और झरोखा खोल करके उससे आप आगे आ जा रहे हैं, समाज में तो चीज़ पहुंच ही जा रही है, फिर सेंसर बोर्ड क्या करेगा? सेंसर बोर्ड क्यों इस पर आपत्ति नहीं करता है कि OTT प्लेटफार्म पर भी सेंसर लागू रहेगा, ये समस्या। गाली है, गलौज है, नग्नता है, अश्लीलता है, अपसंस्कृतिकरण है, क्या नहीं है, तो उसमें अभी तो हमने धर्म का केवल मामला पकड़ा है कि भाई धार्मिक जो पक्ष है कम से कम उस बारे में हम आ रहे हैं, हमारा ऑथराइजेशन है क्योंकि हम आचार्य हैं, तो आचार्य जो है कम से कम अपने वाले विषय में तो कम से कम सही करे, तो हम अपने दायित्व मात्र के लिए, बाकी सब विषय पे हम नहीं बोल रहे हैं, केवल जो धर्म का विषय है विशेष करके सनातन धर्म का विषय, हम उतने पर अपनी बात को कड़ाई से रखना चाहते हैं। निर्माता हैं फिल्म के, उनकी भी अपनी समस्या है, वो कहते हैं कि हम एक फिल्म बना देते हैं, बाद में तोड़फोड़ होने लगती है, फिर हमको बड़ी समस्या से गुजरना पड़ता है, हमारी रात की नींद खराब होती है, होता है ना। तो ऐसी परिस्थिति में वो भी तो चाहते हैं कि कोई ऐसा संस्थान हो जिसके सामने हम अपनी बात को रख दें, और फिर वो कहे कि हाँ ठीक है अब तुम दिखा सकते हो, और फिर उसके बाद अगर कोई आपत्ति आती है तो वो लोग आपस में बात करें, वो भी चाहते हैं। अभी जब हमने दिल्ली में इसकी घोषणा की तो उसके बाद से अनेक निर्माताओं ने हमसे संपर्क किया है कि हम भी आपको अपनी पीड़ा समझाना चाहते हैं, आप हमारी बातों को भी सुनिए। हमने कहा है कि हम समय निकालेंगे, आपकी बात को भी सुनेंगे, किसी समय उनसे भी बैठक होगी हमारी। अभी हम लोगों ने 10 लोगों की टीम हमारे सहित तैयार की है, अभी आप गार्गी पंडित जी को सुन रहे थे, सुरेश मनचंदा जी को सुन रहे थे, इसमें डॉक्टर PN मिश्रा जी हैं जो विधि विशेषज्ञ हैं, इतिहास के जानकार हैं, संस्कृति के, धर्म के, सबके जानकार लोग हैं, और पुरातत्व के भी जानकार हैं।